चीचा वती में 8 साल नन्नी बच्ची नूर फातिमा के कातिल ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब का नोटिस भी किसी काम नहीं आ सका है। पुलिस मुल्ज़िमान को पकड़ने में ताहाल नाकाम है। इसी पर बात करते हैं सुहेल मुगल से। सुहेल, आप बताएगा क्या वजूहात हैं? हुकूमती अहकामात के बावजूद भी कोई अमल नहीं हो रहा। जी, आज 8 साल बच्ची नूर फातिमा के साले स्वाब के लिए कुलखानी जो आज सुबह 8-10 बजे मोहल्ला लकड़ मंडी में अदा कर दी गई है। कुलखानी में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुमताज आलम दीन मुफ्ती मोहम्मद उस्मान ने दुआ करवाई। पुलिस थाना सिटी ने जेर हिरासत 11 मशकूक अफराद से तफ्तीश जारी रखी हुई है। ताहम अभी तक कातल का सुराग लगाने में कामयाब नहीं हो सकी। SHO थाना सिटी चीचावतनी काजी अब्दुल बासित के मुताबिक जेर हिरासत मशकूक अफराद से पुलिस के अलावा दीगर तहकीकती एजेंसियों के नुमाइंदे भी तफ्तीश कर रहे हैं। इब्तदाई तफ्तीश में गिरफ्तार दुकानदार इमदाद ने इंकशाफ किया है कि बच्ची ने उसकी दुकान से 5 रुपए के पटाखे और 3 रुपए की टाफियां खरीदी थी। पुलिस की जानब से बच्ची के अजा के फॉरेंसिक रिपोर्ट के रिजल्ट के लिए तेजी से कोशिशें जारी की जा रही हैं। RPO शेखुपुरा जुल्फकार हमीद की सरबराही में आला तहकीकती टीम अभी तक चीचावतनी नहीं पहुंची। तमाम उम्मीद की जा रही है कि वो शाम तक यहाँ पे पहुंच जाएगी। बहुत शुक्रिया सुहेल मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे।